अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएनएम डायरीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और बहुत सारी खुशियां देखना नसीब करें, आमीन। ईद उल अज़हा नज़दीक है तो आप सबके लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे मेहंदी डिजाइन के आइडियाज लेकर आई हूँ। इससे पहले आप सबको हज बहुत मुबारक हो। जो तमाम मुसलमान हज के लिए गए हैं, अल्लाह पाक उन तमाम मुसलमानों का हज कबूल करें और अल्लाह पाक हमारे लिए भी ऐसी आसानियाँ फरमा दें कि हम सब भी आने वाले साल हज अदा करने जा सके, आमीन। इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल से और प्यारे से मेहंदी डिजाइन्स के आइडियाज देखने के लिए मिलेंगे, जो कि फ्रंट हैंड के लिए भी है और बैक हैंड के लिए भी है। ईद उल अज़हा के मौके पर घर के काम ईद उल फितर से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो खवातीन ज्यादा अच्छी ज्यादा हैवी मेहंदी नहीं लगा पाती, तो मैंने उनके लिए बहुत ही सिंपल सिंपल से मेहंदी के डिजाइन के आइडियाज इस वीडियो में शेयर किए हैं। आप सिंपल टिकी मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं या फिंगर पे लगा सकती हैं या इस तरह से एक ही फ्लावर बना के अपने हाथों पे लगा सकती हैं, यानी आप एक ही पैटर्न की प्रैक्टिस कर लें। जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती वो भी इस तरह की मेहंदी आसानी से अपने पूरे हाथों पे लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ फिंगर मेहंदी डिजाइन के आइडियाज शेयर किए हैं, कुछ टिक्की मेहंदी डिजाइन के आइडियाज शेयर किए हैं। आपको एक ही वीडियो में फ्रंट एंड बैक हैंड मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देखने के लिए मिलेंगे। किस तरह से आप सिंपल मेहंदी लगा सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। इसके अलावा भी अगर आप और भी मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगर आप फीट मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे तमाम लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देख सकती हैं। अगर आप सिर्फ टिक्की मेहंदी की लवर से सिर्फ टिक्की मेहंदी डिजाइन पसंद करती हैं तो बहुत ही प्यारी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे टिक्की मेहंदी डिजाइन की शेयर की है। मैं आपको सबके लिंक साथ में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ फिंगर्स मेहंदी लगाना पसंद करती हैं तो फिंगर मेहंदी डिजाइन की भी बहुत सी वीडियो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है। इस वीडियो में भी आपको फिंगर टिक्की मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप इससे भी ज्यादा टिक्की मेहंदी डिजाइन फिंगर मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देखना चाहती हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकती हैं। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर किया करें वीडियो देखकर, ताकि उन्हें भी मेहंदी डिजाइन के लेटेस्ट अच्छे अच्छे आइडियाज देखने के लिए मिल सके। कुछ गर्ल्स को सिर्फ फ्रंट पे मेहंदी लगाना पसंद होती है क्योंकि फ्रंट पे कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, और कुछ को बैक पे पसंद होती है कि भाई पीछे हाथों में ही मेहंदी लग जाए वो ही ज्यादा नजर आती है, आगे हाथों में कम नजर आती है और बैक साइड पे ज्यादा नजर आती है। अगर आप सिर्फ बैक साइड की मेहंदी के तमाम डिजाइन देखना चाहती हैं तो मैंने बैक साइड मेहंदी डिजाइन की वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर किए हैं। और अगर आप बहुत ही लेटेस्ट फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन के आइडियाज देखना चाहती हैं तो वो आइडियाज भी आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और भाई ईद उल अज़हा है, ये डिजाइन तो हो गए तमाम गर्ल्स और खवातीन के लिए। बच्चियां जो होती हैं छोटी, वो तो ईद उल अज़हा पे काउ गॉड कैमल मेहंदी डिजाइन शिप मेहंदी डिजाइन लगाना पसंद करती हैं। तो आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में काउ मेहंदी डिजाइन, शिप मेहंदी डिजाइन, कैमल मेहंदी डिजाइन पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा कि किस तरह से आप मेहंदी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी शेयर की है, उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन हैं गॉट के मेहंदी डिजाइन के, गाय बनी हुई है, बकरा बना हुआ है, ऊंट बना हुआ है और आप शिप मेहंदी डिजाइन भी देख सकते हैं। आप इस तरह की मेहंदी डिजाइन देके अपने बच्चियों के हाथ पे लगा सकती हैं। आई होप ये आइडियाज भी आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये आपको मेहंदी डिजाइन के आइडियाज पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि जो आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आते हैं या नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करते ना ही लाइक करते हैं। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक प्लीज जरूर किया करें और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको डिजाइन्स कैसे लगे हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो कि भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे आइडियाज पसंद आ रहे हैं तो मैं उनके लिए और भी लेटेस्ट आइडियाज की वीडियोज बना के आपके साथ शेयर करूँ।
मेहंदी डिजाइन्स के अलावा आपको मेरे चैनल पे समर सीजन है, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस डिजाइन्स के आइडियाज मिलेंगे। अगर आप समर में अपनी बच्चियों के लिए ड्रेस बनवा रही हैं या अपने लिए कोई ड्रेस स्टिच करवाना चाह रही हैं तो मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिएगा। आपको लॉन एंड कॉटन के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस डिजाइनिंग के आइडियाज मिलेंगे। ड्रेस डिजाइन्स के अलावा आपको ज्वेलरी डिजाइन, पर्स डिजाइन, स्लीपर्स डिजाइन्स के आइडियाज भी देखने के लिए मिलेंगे। कुछ मैंने आपके साथ कुकिंग की वीडियोस भी शेयर की हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कौन सी शेयर करूं, तो मैं वही वीडियो बना के आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फैशन से रिलेटेड आप कोई भी न्यू आइडियाज देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें, वो आइडियाज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आई होप ये आइडियाज आपको जरूर पसंद आए होंगे। चलें अल्लाह हाफिज, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यू आइडियाज के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।